फ्रेंड्स, मैं विक्रम फ्रॉम गाड़ी जो इस, तो आज हमारे पास आ रखी है फोर्ड इको स्पोर्ट। ये कार हमारे पास ब्रेक डाउन आई थी, कार स्टार्ट नहीं है, तो इसको हम एक बार डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस करके देखते हैं किसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी स्कैनिंग करते हैं। स्कैनिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है। आप देखते हो इसके अंदर दो कोड आ रहे हैं, एक आईपीसी और पीसीएम। ये दोनों कोडों को चेक करते हैं ये किस चीज के कोड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके नीचे जैक लगाते हैं और नीचे से चेक करते हैं इसके जो सेंसर है, टाइमिंग बेल्ट है या पुली है, उनमें कोई प्रॉब्लम थी है, कहीं उनकी वजह से कार स्टार्ट तो नहीं हो रही है, तो इनको चेक कर लेते हैं प्रॉपर। ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार इसके इलेक्ट्रिकल वायर और जो सेंसर है और जो फ्यूज है उनको और चेक कर लेते हैं, उनके अंदर कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। फ्यूज तो इसके बिल्कुल ठीक है, वायर भी बिल्कुल ठीक है, इसकी जो सेंसर है वो भी ठीक है इसके। तो एक बार हम इसकी रिले को और चेक कर लेते हैं कि रिले के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है। इसकी जो दो रिले है ये बिल्कुल ठीक है, जो ये वाली रिले है इसके अंदर प्रॉब्लम है। इसको एक बार बाहर निकालते हैं और एक बार इसको रिपेयर करके देखते हैं कि कहीं इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो किस वजह से है। ओहो, देख सकते हो फाइनली कार स्टार्ट हो चुकी है। इस रिले के अंदर ही प्रॉब्लम थी, इस कार के अंदर दिक्कत हो रही थी। फाइनली पूरी कार कंप्लीट हो चुकी है, परफेक्ट है। इतने छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से कार स्टार्ट नहीं हो रही थी और जिसकी वजह से ये आप देखते हो इसके अंदर क्या हो रहा है। जब हम क्लच के ऊपर पैर रख रहे हैं और गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ये देख सकते हो आप, ये क्लच के ऊपर हमने पैर रख रखा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और यही पैर हम अगर ब्रेक के ऊपर रखते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ये प्रॉब्लम हो किस वजह से रही है इसको और चेक करते हैं एक बार। तो इसको प्रॉपर तरीके से और चेक कर लेते हैं, क्योंकि गाड़ी तो स्टार्ट हो गई है बट ये गाड़ी स्टार्ट होने के बाद भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। ये दिक्कत आ किस वजह से, क्योंकि जब हमारे पास गाड़ी आई थी ये ब्रेक डाउन आई थी तो हमें पता ही नहीं था इस अंदर ये प्रॉब्लम है। तो एक बार इसकी वायर और चेक कर लेते हैं। ओहो, आप देख सकते हो काफी सारी जो वायर है वो इसमें कटी हुई है। एक एक वायर को हम दोबारा से पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद, इसकी फिटिंग को कंप्लीट करने के बाद कार को स्टार्ट करके दिखाता हूं कि कार के अंदर स्टार्टिंग में भी यही प्रॉब्लम दोबारा आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहना ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि प्रॉपर तरीके से एक एक वायर को पेस्ट करेंगे और उनको टेपिंग करके दोबारा से इसकी फिटिंग को कंप्लीट करने के बाद कार को स्टार्ट करेंगे। मैं आपको दिखाता हूं कि ये छोटी छोटी वायरों की। आप देख सकते हो फाइनली कार स्टार्ट हो चुकी है। जो प्रॉब्लम पहले हो रखी थी इसके अंदर अब वो नहीं है। पहले क्लच और ब्रेक का दोनों का इस्तेमाल करके हमें कार को स्टार्ट करना पड़ रहा था, बट अब खाली ओनली क्लच के ऊपर पैडल पे पैर रखने से ही कार स्टार्ट हो रही है। और अगर आपकी कार में कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आप सबसे पहले गाड़ी जो के अंदर जरूर विजिट करें ताकि आपको किसी बड़े खर्चे से हम बचा सके। तो आप मेरी ऐसी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करते रहे ताकि मैं आपको ऐसी वीडियोस दिखाता रहूं।